and welcome back to Weekend Lounge. You're watching us live on Indus Vision. मैं हूं मरियम अलवी एंड ये हैं परवेज बशीर. वो सब जानते हैं, ये जो पब्लिक है ये सब जानते हैं. आपको इतना यकीन कैसे है? नहीं जी जानते हैं. कौन फीडबैक दे रही है? नहीं अभी अभी फोन आएगा, बताएंगे मम्मी कि मेरा नाम परवेज बशीर है. खैर जी, वी आर बैक. अच्छा अभी हम ब्रेक में जब गए थे तो हम ये बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम ये कहते हैं कि भाई दिल चाह रहा है, या वो मुझे दिल से सीनरी पसंद है, या दिल से फला चीज पसंद है. दिल दिल व्हाट इज दिल? ये दिमाग से नहीं कह रहे, वो मेरे दिमाग से मुझे अच्छी लगती है या अच्छा लगता है. ऐसे क्यों नहीं होता? व्हाई इज इट? आई थिंक दैट इज एस्थेटिकली रॉन्ग. मुझे तो ये आप सोचना, मेरा दिमाग ये कह रहा है तो हाउ कोल्ड विल यू सीम? भाई आप जब डॉक्टर ऐड करने के लिए भी हमें कहते हैं, मैं दिल ये चाह, दिल चाह रहा है, थोड़ा इमोशन है, दिल मांगे व्हाट एवर. खैर जी, अब दिल विल की जो बातें हैं ये हमारे डॉक्टर समद साहब यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ बैठे हैं. खालदा, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब. थैंक यू वेरी मच. क्या हाल चाल है? शुक्रिया. आप लोग क्या चाह रहा है? दिल की बात करें तो दिल की जब बात आ जाता है तो हम भी अलर्ट हो जाते हैं, और दिल की बातें तो दिल ही होते हैं, दिल ही जानते हैं. और दिल की बात आजकल जो है हर जगह पे दिल होते हैं, हर घर में दिल होते हैं, हर जगह पे आप देख रहे हो. और ईद पे दिल होते हैं ना, और जब कुछ खास डे आ जाते हैं जैसे वैलेंटाइन डे, फिर बड़ी बड़ी दिल बना लेते हैं. हाँ. चाहे उस शक्ल वो ना भी हो तो वो इस तरह की कुछ बना के. हाँ. दिल का मामला क्या है? अगर आप मेडिकली अगर आप हार्ट को देखें तो वो कोई इतनी दिल आवेश चीज है नहीं. सही, बिल्कुल नहीं है. तो आप लोग क्या मतलब, आप लोगों का ये दिल की जो बातें कर रहे हैं तो हमें दिल समझते हैं या क्या है? आज आप लोग दिल की बातें क्यों? भाई देखिए, आज हमने आपसे दिल से रिलेटेड बहुत सारी बातें पूछनी है जी. तो जी. हम घुमा फिरा के जो गुगली हमने फेंकी थी जी, दोनों ने जो फेंकने की कोशिश की थी वो की थी. अच्छा दिल के बारे में बात कर रहे हैं. हमने दिल के बारे में आपसे आज बहुत सारी बातें करनी है. ओहो कितना अच्छा मौजू, बेहतरीन. अच्छा एक और देखिए, डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने दिल फला को दिया. भाई दिल आपने कहाँ दिया? दिल आपके अगर आप दे देंगे तो मर जाएंगे. देते हैं भाई, दिल दिया होते हैं तो दिल दे भी दिए जाते हैं. दिल दिया और दिल लिया. हाँ, दिल ले लिया. मसला यहाँ पर भी होता है, दिल दिया और दिल लिया. हाँ. और मेरा दिल ये नहीं चाहता है, मेरा दिल वो चाहता है, मेरा दिल जो चाहता है मैं वही करता हूँ. अब ये दिल की बातें इतनी ज्यादा हो जाती है. दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान. हाँ. दिल दिल पाकिस्तान. दिल से जान का ताल्लुक बहुत गहरा है ना. दिल और जान दोनों दिल का मिली हुई है. बिल्कुल. दिल दिया दर्द लिया. दिल नहीं है तो जान वो सीन नहीं सकता है. ठीक है, दिल सबसे बड़ा हमारे सिस्टम है बॉडी में. ये सिस्टम जब रुक जाता है तो पूरी बॉडी रुक जाते हैं. और ये सिस्टम कहाँ से कंट्रोल होते हैं? आसाब से. मेडिकल हम बात करेंगे क्योंकि अभी एक एक जो वो प्यार मोहब्बत वाली जो बातें आ जाते हैं कि वो दिल सारा कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, यानी दुनिया भी कंट्रोल कर लेते हैं दिल ना. हम आते हैं जो थोड़ा साइंटिफिकली उसको स्टडी करते हैं, इसको दिल के मसाइल क्या है और दिल जो है उनके प्रॉब्लम्स क्या है और दिल के जो खूबियां हैं क्या है और दिल को कैसे बेहतरीन रखे, हेल्थी रखे, पावरफुल रखे, इस पे हम आज बात करेंगे. मेडिकली दिल जो है एक मुट्ठी की तरह, जितना हमारे एक मुट्ठी है इतना सा एक चीज़ है, एक हमारा एक ऑर्गान है, एक सिस्टम है, कार्बोरेटर है, बिल्कुल एक खून पंप करने वाला एक मशीन है. तो ये हमारे होता है लेफ्ट साइड, बॉडी लेफ्ट साइड, यहाँ पर होता है तकरीबन. लेकिन हम कहाँ समझते हैं? यही पे ना, ज़्यादातर यही पे दिल समझते हैं. तो होता थोड़ा सा इस साइड पे, लेकिन कभी कभी लाखों में से एक कुछ लोगों के राइट साइड पर भी होते हैं. तो ये जो दिल है, या दरमियानी हिस्से में समझ ले या थोड़ी सी इस साइड पे समझ ले, ये सबसे बड़ा कारखाना है, वो सबसे बड़ा फैक्ट्री है जिसमें इतने काम सरंजाम हो रहे एक टाइम में, जो ये पूरी बॉडी के तमाम निज़ामों के जो एक सेल है, टिश्यूज़ है, मसल्स है, सिस्टम्स है, पूरे के पूरे को गजाई जितने भी मेटीरियल है भिजवा देते हैं, ऑक्सीजन भिजवा देते हैं, सारे कुछ ये सरंजाम देते हैं. और जब ये बंद हो जाते हैं तो पूरी जिंदगी बंद हो जाते हैं. तो इसलिए इसको सही रखना, इसका ख्याल रखना, इसको हेल्थी रखना, खुश रखना हमारा फर्ज बनता है. दिल को खुश रखना तो बहुत महंगा नुस्खा हो सकता है डॉक्टर साहब. नहीं, कुछ लोग आसानी से रख लेते हैं, रख भी सकते हैं.
आज हम देखेंगे कि मेथड्स क्या हो सकता है इसके लिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, दिल को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो हमारी पूरी निज़ाम बिगड़ जाएगी, हमारी मजबूरी इसको खुश रखने का। कोई ना कोई तर्ज दुआ नहीं चाहिए हमें ये ज़रूरी है। ट्रू। तो इसलिए दिल को खुश रखने के लिए खालदा क्या करनी चाहिए? नेचर के करीब रहना चाहिए। ज़्यादातर जो हम इसके जो मसाइल हैं उस पर बात करेंगे, एंड पे हम बताएंगे कि इसको किस तरह से हम खालदा देखें दिल के मामले में कितने एहतियात करते हैं। पहले तो मसाइल पे बात करें, तो दिल का जो मामला है मसाइल बिल्कुल दिल का जो मामला है देखे कितना एहतियात से लोग ख्याल रखते हैं। खालदा देखे पता नहीं परवेज बशीर साहब ने पता नहीं ख्याल रखा कि नहीं रखा, जाहिर रखा होगा माशाल्लाह इतना अच्छा। मैंने कई बार फोटो कॉपी बना के दी है दिल की, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ख्याल रखा है इन्होंने दिल का और दूसरों के दिल का ख्याल भी जाहिर रखते हैं माशाल्लाह, इतने कंट्रोल है उनको अपने सारी चीज़ों पर। तो बात यह है कि दिल के जो मसाइल है आजकल जो सबसे ज़्यादा दरपेश है दिल के मसाइल, ख़तरनाक और खौफनाक किस्म के जो डिजीज़ है दिल के, अमराज है दिल के और मसाइल है दिल के, ये बहुत गंभीर मसला है आजकल इस मशीनी मसनू दुनिया में। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, हार्ट का फेल होना, हार्ट का बंद होना, हार्ट के जितने काम नहीं करना सही तरीके से, क्योंकि जब असबी की चाव है इंसान को, जब नफसियाती बीमारियाँ तो हार्ट पे असर करता है, बुरा असर करता है। जब माहौल के नाचाके हैं, परेशानियाँ, तो हार्ट पे असर करता है। आपने देखा होगा अगर हम टेंस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो हार्ट बीट तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जी बिल्कुल खालदा बता दे तो इसमें अलामात में ये आता है कि आपकी जो सांस है वो छोटी हो जाती है, आपको सीने में दर्द होगा, बाजू में दर्द होगा, आपको गुस्सा आएगा, जज्बात आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, लेफ्ट साइड पे दर्द, हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा चल नहीं सकेंगे, एक आम शख्स पसीना अच्छा, आएगा। साइलेंट हार्ट अटैक्स भी होते हैं बिल्कुल, जिसमें नहीं पता चलता मरीज को, कभी कभी ऐसा होता है, कभी 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 ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा इसका, शुगर के बहुत सारे, वो तो फिर वजूहात में आ जाता है कि वजह क्या है इन चीज़ों की। ये अलामात हैं। वजूहात की तरफ अगर हम जाते हैं तो शुगर है, कोलेस्ट्रोल है, ब्लड प्रेशर है और इस तरह की, और जैसे हम जो हमारी गजाई अज्जा हैं उन वो बहुत रोल अदा करते हैं कि हम खाना किस तरह का खा रहे हैं, हम कौन सी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनकी वजह से हम इन मसाइल की तरफ जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि हमें किस तरह से अब उस पॉइंट पे आते हैं कि किस तरह से हमें इसको, उन्होंने वजूहात भी बता दी और कुछ अलामात भी बता दी उसको बेहतर डिटेल में। खालदा दिल का मामला है, मुझे बड़ा एहतियात से कहना होगा कि दिल को खुश रखने के लिए, दिल को बेहतर रखने के लिए आपने बताया फरमाया कि बहुत आम नेचर के करीब रहना पड़ता है तो दिल खुश होता है। अब नेचर के करीब कैसे रहें हम मशीनी मशीनी दुनिया में, जो इतना पोल्यूशन है, जितने हालात ख़राब है, जितनी एक हमारी मशीन की ज़िंदगी, मशीन में आते जाते हैं, एहतियाज मोहताज है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, गुस्सा बर्दाश्त नहीं होते है, सभी की चाव है, परेशानियां हैं इर्द गिर्द, अब दिल का कैसे ख्याल रखें हम? होता मामला कभी कभी ये होता है कि कुछ आजकल की जो नौजवान तबका है, लड़के लड़कियां, वो आपस में दिल के मामलात को शेयर करते हैं तो दिल के मामलात और बढ़ जाते हैं, मसाइल बनते हैं उसके लिए, यानी हार्ट बीट उसकी और ज़्यादा, थोड़ा सा उम्र बढ़ते बढ़ते तो दिल की परेशानियाँ बन जाते हैं। गिजा की वजह से है, जिस तरह कल हमने बात की गिजा की वजह से गिजाई मवाद भी हमारे मशीनी, हमारे माहौल इतना टेंस है क्योंकि हमारा दिल पे इतना बुरा असर करते हैं, माहौल हमारे इतने मशीनी मशीनी हो गए कि हमारे दिल को इतना जकड़ के रखा हुआ है कि वो कई अमराज में मुफ्तला हो जाते हैं। यानी हम फिजिकल मूवमेंट नहीं करते हैं, एसी के बगैर रह नहीं सकते हैं, वर्जिश नहीं कर सकते हैं, फैट्स बहुत ज्यादा लेते हैं, मोटापा भी इसकी बहुत बड़ी वजह है, टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत सारी मसाइल हैं आजकल के जो हालात चल रहे हैं उनको देख के
उससे भी बहुत सारे लोग जो हैं इन मसाइल में गिरफ्तार हो जाते हैं। समदा हीलिंग एनर्जी जो है वो बेस्ट इसका तरीका इलाज है, क्योंकि उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो नेचुरल तरीके से, जिस तरह से अभी हम दिल की बात कर रहे हैं, दिल हमारे हर सेल को खून पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, समदा हीलिंग एनर्जी जो है वो उसी तरह से हमारे हर सेल को रिफ्रेश करता है नेचुरल तरीके से, नेचुरल एनर्जी से। जब हमारा हर सेल रिफ्रेश होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर होगा, हमारी नेचुरल सेहत बेहतर होगी, तो हम जो हार्ट डिजीज है उनसे बच सकते हैं। फिर ये तो एक रेगुलर प्रोसेस होगा ना, क्योंकि हर इंसान अब आजकल आप रूटीन जो लाइफ एक बंदे की हम जो आप कह रहे हैं मसनूई हो गई और मशीनी हो गई, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, काफी हद तक वो तो अब है। तो कितना जो आप समझा हीलिंग एनर्जी की बात करते हैं, तो वो फिर सेशंस हैं आपके के, जैसे मेडिटेशन की भी हम कल बात कर रहे थे, तो ये फिर तो एक समझे लाइफस्टाइल हो गया पूरा जो एक इंसान को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, यूट्यूब पे हमें यूट्यूब पे एक मैसेज आया, सॉरी फेसबुक पे मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं, आप क्या हमें 100-200 साल पीछे ले जाना चाहते ताकि वही जंगल की जिंदगी गुजारे। जो आपने अभी बात की कि क्या करें हम, मिसाल के तौर पे मशीनी मसनू दुनिया तो है।